क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे पास इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वेयर रूट माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू वन। किसी भी रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास किस टाइप की रेडिकल इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, उन पे स्क्वेयर रूट है और उनका जो डिफरेंस है वो किसी कांस्टेंट के बराबर है। अब ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस की चौथी टाइप है और इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि इन दोनों रेडिकल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को हम किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। इसको मैं पुट कर देता हूँ कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू ए एंड एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू बी। यहाँ पे मैं इसको जब पुट करूँगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन की जगह पे ए माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन के स्क्वेयर रूट की जगह पे बी इज इक्वल टू वन। यहाँ से एक इक्वेशन मेरे पास आ गई ए माइनस बी इज इक्वल टू वन। अब एक्चुअली मैं वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहता हूँ किसी एक की, ए की या बी की। सो इसको इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है कि ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ये, बी की वैल्यू दी हुई है ये, तो क्यों ना हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड कर लें और देन उसको और ए माइनस बी की वैल्यू को यूज़ करते हुए ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करें और वहाँ से फिर किसी एक वेरिएबल ए की या बी की वैल्यू फाइंड कर दें। सो अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की, ए हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वेयर रूट इसका स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन स्क्वेयर रूट इसका स्क्वेयर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, ये आपस में कैंसिल हो गए, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास वैल्यू बच गई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू। अब इस इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन को यूज़ करते हुए हम ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की जगह पे टू और ए माइनस बी की जगह पे वन, तो ए प्लस बी की हमारे पास वैल्यू आ गई टू। दिस इज द इक्वेशन नंबर थ्री। अब इक्वेशन नंबर वन और थ्री को यूज करते हुए हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या ए की या बी की। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, इक्वेशन नंबर वन प्लस इक्वेशन नंबर टू, ए माइनस बी इज इक्वल टू वन एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू टू, बी बी से कैंसिल, टू ए इज इक्वल टू थ्री एंड ए इज इक्वल टू थ्री बाई टू। हमने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली ए की। एक्चुअली ये जो वैल्यू है ये ए की नहीं है बल्कि इस एक्सप्रेशन की है क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को ए के इक्वल पुट किया है। सो एक्चुअली एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू थ्री बाई टू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और वहां से फिर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे।
हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड पे पहले तो स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और ये बन जाएगा 3 3s are 9 over 4 बाय स्केयरिंग। देन इस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x² + 4x + 4 - 9 = 0 और 4x² + 4x - 5 = 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी x = -4 + -16 + 80 √8 और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 + -6 √2। यहाँ से आप खुद इसको चेक करें और इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर लाएं। उसके बाद इसको हमने चेक करना होता है कि वाकई ये उस इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं, उसको ऑबे करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अगर करते होंगे तो उसका सलूशन सेट होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो एक्सट्रेनियस रूट्स होंगे। आप ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स की जगह पे इसको पुट करें और देखें कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। जब आप पुट करेंगे तो आप चेक करेंगे कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। सो द सॉल्यूशन सेट इज -1 + 6 √2 and -1 - 6 √2। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन दी गई है वो है x² + 2x - 3 √2 + x² + 7x - 8 √2 = 5 × x² + 3x - 4 √2। अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो इसमें हमें तीन जो हैं वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं जिन पे स्क्वायर रूट है, यानी कि तीन रेडिकल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं। इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हम ये करते हैं कि इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के हम फैक्टर्स बनाते हैं। सो जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे x² + 2x - 3 के, तो इसके हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे x + 3 and x - 1 होल स्क्वायर रूट प्लस x² + 7x - 8। जब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे x + 8 × x - 1 = 5 × इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास x + 4 and x - 1 होल स्क्वायर रूट। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब हम इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बनाते हैं तो उनके फैक्टर्स में एक फैक्टर कॉमन आ रहा होता है। यहाँ पे इन तीनों में x - 1 जो है वो कॉमन आ रहा है। सो इसको हम साइड पे बाहर निकाल लेंगे, x - 1 square root कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x + 3 square root + x + 8 square root
माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फोर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको मैं दूसरी साइड पे ले आया। अब इधर हमारे पास x माइनस वन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ज़ीरो और x प्लस थ्री स्क्वायर रूट प्लस x प्लस एट स्क्वायर रूट माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फोर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ज़ीरो। इफ़ x माइनस वन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसको हम सॉल्व करने के लिए स्क्वायर लेंगे, x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x इज इक्वल टू वन। एक वैल्यू हमने x की फाइंड कर ली। अब अगर हम ज़रा गौर से इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन जिसमें हमारे पास तीन लीनियर फैक्टर्स हैं, ये उस टाइप की इक्वेशंस है जिस टाइप के हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव फोर थ्री के, जिसमें हम पहले स्केयर लेते थे उसके बाद दोबारा स्केयर लेते थे। सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस थ्री स्केयर रूट प्लस एक्स प्लस एट स्केयर रूट इज इक्वल टू फाइव इंटू एक्स प्लस फोर स्केयर रूट। दोनों साइड का हम स्केयर लेंगे, जब दोनों साइड्स का हम स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस एट इंटू सॉरी प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस एट होल स्केयर रूट इज इक्वल टू फाइव इंटू एक्स प्लस फोर। देन उसके बाद हम इसका दोबारा जो है वो स्केयर लेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हमारे पास आ जाएगा जी 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 स्क्वायर रूट। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके और ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। अब हम इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, जब अगेन स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसका स्क्वायर लेते हैं तो 3x प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 81 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 96। लाइक टर्म्स को, सारी टर्म्स को हम एक साइड पे ले जाते हैं और उनको सम या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 15 इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप खुद इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, तो x की आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो होंगी x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। तीन वैल्यूज आई हमारे पास, x इज इक्वल टू 1 यहाँ से भी, x इज इक्वल टू 1 यहाँ से भी, x इज इक्वल टू माइनस 3। समझे कि दो है क्योंकि ये दोनों सेम है। इनको हम बारी बारी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि ये उसको सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। जब आप पुट करके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सो इसमें कोई भी एक्सट्रेनियस रूट नहीं है और सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास है 1 एंड माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2
एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 12 स्क्वायर रूट। ये बिल्कुल उसी टाइप की इक्वेशन है जिसमें हम पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे। जब आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों में हमारे पास 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट जो है वो कॉमन आ रहा होगा। तो यहाँ से हमारे पास इसको वो जब कॉमन आ रहा होगा हम इसको बाहर निकालेंगे, देन इधर इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास x की यहाँ से आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। और जो दूसरी इक्वेशन है वो आपके पास बनेगी x माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 12 स्क्वायर रूट। इसको आप सॉल्व करेंगे, एक दफा स्क्वायर लेंगे देन उसके बाद दूसरी दफा स्क्वायर लेंगे। जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू 4। ये आप खुद इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद इनको आप देखेंगे कि ये ओरिजिनल इक्वेशन को दोनों सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। आप देखेंगे कि ये दोनों जो हैं ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास होगा माइनस 1/2 एंड 4। आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। देन दी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास इक्वेशन है 3x² माइनस 5x प्लस 2 स्क्वायर रूट प्लस 6x² माइनस 11x प्लस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5x² माइनस 9x प्लस 4 स्क्वायर रूट। तीन क्वाड्रेटिक फैक्टर, तीनों पे स्क्वायर रूट, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। वही सारे काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करने के लिए किए। क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाएंगे तो उनमें एक फैक्टर कॉमन आ रहा होगा। जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास 3x माइनस 2 एंड x माइनस 1 प्लस इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे 6x माइनस 5 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू इसके फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर हमारे पास बनेंगे 5x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। तीनों में एक फैक्टर कॉमन आ रहा है तो उसको साइड पे बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 1 स्क्वायर रूट इंटू 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस 6x माइनस 5 स्क्वायर रूट माइनस 5x माइनस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट प्लस 6x माइनस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5x माइनस 4 स्क्वायर रूट। अब इस तरह के कई क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। पहले एक साइड पे स्क्वायर लेंगे देन उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा स्क्वायर लेंगे उसके बाद दूसरी दफ़ा स्क्वायर लेंगे। जब आप इसको दो टाइम स्क्वायर कर लेंगे तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो आएगी x² माइनस 84x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। आप खुद इसको सॉल्व करके चेक करेंगे आपके पास ये इक्वेशन आती है या नहीं। आई होप मेरी तो यही आई है तो आपकी भी यही आनी चाहिए। इसको जब आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू
84 प्लस माइनस 4 इंटू 7 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 112। अब पता नहीं ये इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं, तो इसको भी हम पुट करेंगे x की जगह पे और 1 को ही पुट करेंगे x की जगह पे और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। जब आप पुट करेंगे तो चेक करेंगे कि ये जो 1 है ये तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये जो है x इज इक्वल टू 84 प्लस माइनस 4 इंटू 7 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 112, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सो दिस इज नॉट सॉल्यूशन सेट, ओनली x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन सेट। सो सॉल्यूशन सेट इज ओनली 1। देन इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है, वो है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 स्क्वायर रूट प्लस 3x प्लस 31। अब इक्वेशन को देख के हमें भी नहीं पता चल रहा कि ये हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन है। थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास टाइप 1 की इक्वेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 स्क्वायर रूट प्लस 3x प्लस 31। इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 27 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास टाइप 1 की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जैसे कि हम पहले भी इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करते आए हैं कि वो वाला एक्सप्रेशन जिस पे हमारे पास रेडिकल साइन होता है उसको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 स्क्वायर रूट को y के इक्वल पुट कर देंगे और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे जिस पे हमारे पास रेडिकल साइन नहीं होगा। तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 15। अब ये जो वैल्यूज हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, इनको हम पुट कर देंगे इक्वेशन ए में। जब पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ए हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी, दैट विल बी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट की हैं और ऐड सब्ट्रैक्ट किया है, आप खुद इसको चेक करेंगे। जब इस अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज आएंगी, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इसको ये जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं ये एक्चुअली y की नहीं होती बल्कि ये उस एक्सप्रेशन की होती हैं जिसको हमने y के इक्वल पुट किया होता है। सो एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 3। दोनों साइड पे स्क्वायर लेके इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 6। आप खुद इनको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ये वैल्यूज आती हैं या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो तीनों वैल्यूज चारों आई हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करती हैं या नहीं। जब आप पुट करके देखोगे तो आप चेक करोगे कि ये जो 4 और माइनस 6 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता और सिर्फ माइनस 1 प्लस माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। सो ओनली दी सॉल्यूशन सेट इज
माइनस वन प्लस माइनस फोर इंटू टू स्क्वायर रूट। देन इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है, वो है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13। अब ये बिल्कुल उसी टाइप की क्वेश्चन है जिस टाइप का हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्या था हमारे पास, दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं, उनका जो सम है या डिफरेंस है वो किसी एक कांस्टेंट नंबर के इक्वल है। इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम एक लेट करते हैं, दूसरे को बी। सो हेयर ये जब हमारे पास ए होगा ये बी होगा, तो आप देखोगे कि ये ए प्लस बी इज इक्वल टू 13। और जब इनका स्केयर लेके आप इनको सब्टेक्ट करेंगे कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो उसकी आपके पास जो वैल्यू है वो आएगी 13। सो इन दोनों इक्वेशन से हम ए माइनस बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए माइनस बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1। आप खुद इन स्टेप्स को चेक करेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 13 तो यहाँ से नज़र आ रहा है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर की वैल्यू खुद फाइंड करेंगे, सिंपली ए की वैल्यू ये पुट करके स्केयर लेके देन माइनस करेंगे बी की वैल्यू को। हम यहाँ से ए या बी की किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस में से। अब इनको ऐड करें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू 7। ये जो ए की वैल्यू आएगी ये एक्चुअली उस वेरिएबल की वैल्यू होगी जिसको हमने ए के इक्वल पुट किया था। हम यहाँ पे ए को इसके इक्वल पुट करेंगे। सो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 स्क्वायर रूट जो है उसकी वैल्यू आई है 7। स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो हमारे पास बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो आएंगी x इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 10/3। जब आप इनको देखेंगे तो चेक करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। सो द सॉल्यूशन सेट इज 4 एंड माइनस 10/3। क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें भी इसी तरह की इक्वेशन दी गई है और उसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। उसमें इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x माइनस 4। यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि इसको a के इक्वल पुट करें, इसको b के इक्वल पुट करें, a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। देन उसके बाद इनका स्केयर लें और इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 16। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। इन दोनों इक्वेशंस में से a की वैल्यू फाइंड करें तो a इज इक्वल टू एक्स, ए को जिस वेरिएबल के इक्वल एक्सप्रेशन के इक्वल पुट किया होगा वो इसकी वैल्यू होगी। सो 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स। दोनों साइड पे स्क्वायर लें, सॉल्व करें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो होगी 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 17 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट, माइनस 7 प्लस माइनस 17 स्क्वायर रूट बाय 8। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, सिंपली एक को ए के इक्वल पुट कर देना, दूसरे को बी के इक्वल, और बाकी सारे स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं
जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, कुछ में सारे जो स्टेप्स हैं वो किए गए, कुछ में से कुछ स्टेप्स जो हैं वो मिस किए गए। जो स्टेप्स मिस किए गए हैं, आप खुद सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें और चेक करें कि वाकई ये ठीक है या इनमें कहीं कोई एरर है। सो अगर एरर है तो आप उसको अपने